अगर आप दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। हार्दिक पांड्या ने फिर दिखाया अपरिपक्वता, कर गए कुछ ऐसा। दिनेश कार्तिक ने सबके सामने लगाई फटकार। भारतीय टीम की अंग्रेजों के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भिड़ंत से पहले बुधवार को चेम्सफोर्ड में इंग्लिश काउंटी टीम एसेक्स के खिलाफ 3 दिवसीय अभ्यास मैच की शुरुआत हुई। इस मैच में पहले दिन भारतीय टीम ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए समाप्ति होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 322 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया है। पहले दिन की समाप्ति तक कार्तिक और हार्दिक लौटे नाबाद। पहले दिन की समाप्ति तक भारत ने एसेक्स के खिलाफ 322 रन बना दिए थे और उस समय क्रीज पर कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मौजूद थे। इस जोड़ी ने 7वें विकेट के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 61 रनों की साझेदारी कर ली है। कार्तिक जहां 82 रन पर नाबाद रहे, वहीं हार्दिक 33 रन पर नॉट आउट लौटे। कार्तिक और हार्दिक की साझेदारी में एक बार फिर से रन लेने में दिखी गफलत। दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या की जोड़ी ने भले ही 7वें विकेट के लिए 61 रनों की अच्छी साझेदारी कर ली हो, लेकिन इनकी साझेदारी के दौरान एक बार फिर से रन दौड़ने के दौरान साफ तौर पर गफलत दिखी। दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या रन दौड़ने में पहले भी असमझदारी दिखा चुके हैं। जब कार्तिक को अपना विकेट गंवाना पड़ा था, हार्दिक शॉट खेलने ही निकल पड़े रन के लिए। कार्तिक नहीं चाहते थे रन। दरअसल इस मैच में एसेक्स के तेज गेंदबाज पॉल वॉल्टर की गेंद पर हार्दिक पांड्या ने स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया। हार्दिक पांड्या तुरंत रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन वहां पर फील्डर होने के कारण दिनेश कार्तिक रन नहीं लेना चाहते थे। आखिर जब स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के हाथों से गेंद चिटक गई और दोनों बल्लेबाजों ने रन पूरा किया, रन आउट के हो सकते थे शिकार। लेकिन इस रन में दोनों के बीच साफ तौर पर गलतफहमी नजर आई। हार्दिक पांड्या जब रन लेने के लिए दौड़े तो कार्तिक रन नहीं लेना चाहते थे। इस कारण से आधा सफर पूरा कर हार्दिक पांड्या ने अपने आप को रोक लिया। वो तो भला हो उस फील्डर का जिसने गेंद को मिल कर दिया और रन पूरा मिला, नहीं तो कार्तिक या हार्दिक में से कोई एक रन आउट का शिकार हो जाता। हार्दिक को करना होगा रन लेने पर काम, वो या तो उनके लिए या उनके साथी खिलाड़ी के लिए मुश्किल बन रही है। ऐसे में हार्दिक को कहीं ना कहीं रन लेने में कुछ समझदारी दिखानी होगी। आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आप हार्दिक पांड्या की इस बेवकूफी के बारे में क्या कहना चाहते हो। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।